क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हर तरह का ही जैसे जो ब्लॉग होता है। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये वीडियो आखिर तक देखना, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। क्योंकि वो जगह जो है ना आज तक मतलब कवर नहीं की है। बताइए जो जा रहा है फर्स्ट टाइम, देखते वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा हो और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। देख सकते हो हम यहाँ पे रुके हैं अल फजर रेस्टोरेंट पे। थोड़ा जो है कुछ खाएंगे पिएंगे, नाश्ता तो करके आए थे वैसे, लेकिन जो है अभी थोड़ा देखते हैं चाय वाय पी लेते हैं यहाँ पे। तो भाई अभी जो है नमाज वमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ के फारिग हो गए। देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। तो अब देखते हैं कुछ चाय वाय पीते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा चला चला के जो है ना गाड़ी थक के। भाई ये देख सकते हैं खाना खा लिया और हमने वीडियो नहीं बनाई। ये पानी की बोतल तो उठा लो भाई, ये ले। चलो भाई अब चलते हैं, खुल गया भाई। बिस्मिल्लाह। देख सकते हो हम लोग पहुंच गए हैं ड्रीम वर्ल्ड और आज हमारा स्टे यहीं हुआ है। अलग अलग डील्स लगी हुई हैं। ये है उनका मेन रूम। यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का भाई, ये है रास्ता देख सकते हो। माशाल्लाह ये है रूम देख सकते हो। ये है बाहर की, इधर से अच्छा व्यू आएगा काफी ना। ये बालकनी बालकनीज है अपने रूम्स की। यहाँ पे बैठ के शाम में बंदा जो है ना ऐसे यहाँ पे देख ले, एंजॉय कर ले। देख सकते हो भाई जबरदस्त हो रहा है मौसम। क्या है, हमें दो चाय के बैग मिले। ये क्या है, एवरी डे है अभी बन रही है चाय। तो भाई ये है रूम का व्यू देख सकते हो। ओए हाय हाय हाय, ये है पूरा कुछ भी हो, ये सामने आर्टिफिशियल सी है और ये रूम से ड्रीम वर्ल्ड के देख सकते हो तुम लोग। ये मज़े वाला व्यू लग रहा है। अभी शाम होगी ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं वो भी करेंगे। वही वहाँ से रूम से निकल के आएंगे आप तो ये रिसेप्शन है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और ये फाउंटेन लगा हुआ है, ये दूसरे रूम से देख सकते हो। बहुत ही ग्रीनरी और जो है ना बहुत ही सुकून वाली जगह है, बंदा आए रिलैक्स करे आराम से। ये रूम से निकलते ही जो है ना ये सारा यहाँ पे लॉन है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। देख मैंने जो है नमाज़ पढ़ ली है मस्जिद की और थोड़ा जो है ना घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अभी जो है ना हमें मेंबरशिप, क्योंकि कार्ड है आपके भाई के पास, मेंबरशिप मिल गई है। तो अब जो है ना मेंबरशिप पे जो जो एक्टिविटीज़ ओपन है ना तो वो देखते हैं अभी। फिर उसके बाद जो है ना अभी पूल साइड है, ये जो है ना अभी बंद हो गया, ये शाम में मतलब सनसेट पे जो है ना बंद हो जाता है। ये देख सकते हो ये पूल एरिया साइड है और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या चीज़ें।
यहाँ पे करेंगे हम तीरबाजी। हिदायत बराए सब चीज़ें देख सकते हो। तो ये देख सकते हो ये पड़े हैं तीर, और वहाँ पे निशाना लगाना है हमें। यहाँ पे दोस्त हैं, वही अभी चाय पी रहे हैं देख सकते हो। तो चाय आ गई है हमारी, पाउडर्ड मिल्क वाली चाय। और फिर चलेंगे गो कार्ट पे, वही देख सकते हो गो कार्ट में आ गए। यहाँ पे जो है ये बाइक्स होती हैं, अभी ये चलाएंगे फिर देखेंगे। तो वही भी देख सकते हो गो कार्ट करेंगे। ये होती है गो कार्ट ड्रीम वर्ल्ड में जो है मेंबर्स को अलाउ है फुल। ये देख सकते हो भाई फ्यूल राइड्स हैं, इसमें बैठेंगे हम लोग। ये चलेगी पूरा एक राउंड लेगी वहाँ से वहाँ तक पूरा घूम। भाई अब बैठने लगे हैं देख सकते हो भाई। तो भाई ये कहाँ पे बैठना पड़ेगा? शायद हम चला रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। रात का टाइम है, वाटर स्लाइड्स वगैरह भी बंद हैं, वो 11 बजे ओपन होती हैं। अभी हम आए हैं डेजर्ट सफारी। तो गाइस डेजर्ट सफारी में भाई लाइसेंस चाहिए था, हम लोग जो है ना लाइसेंस भूल गए थे। मतलब गाड़ी का जो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना वो चाहिए होता है। तो मेरा तो रूम में पड़ा हुआ है, वो मैं लाया नहीं। तो जिसके पास लाइसेंस होगा उसको अलाउ होगी सिर्फ डेजर्ट सफारी। तो भाई यहाँ पे ये भी है, स्केटिंग भी देख सकते हो, लेकिन ये सिर्फ सैटरडे संडे के लिए खुला होता है, बाकी दिन अलाउ नहीं होता। अब देखते हैं यहाँ पे जाते हैं प्ले एरिया है। ये देख सकते हो ये सारे गेम्स वगैरह जो ना ये अलाउ है, इंडोर गेम्स हैं ये सारे। और फैमिली के लिए जो है ना ये एरिया बना हुआ, फैमिली एरिया। ओ वाह भाई फैमिली एरिया ये है, पूल है भाई यहाँ पे। अभी हम खेलेंगे कैरम देख सकते हो, सारी चीज़ें हैं। भाई कैरम में वैसे चैंपियन है। ये पूल खेलने लगे हैं देख सकते हो, ये पूल एरिया है, ये सेट हो रहा है यहाँ पे। और ये बॉल है, अब देखते हैं कौन जीतता है इसमें। यहाँ पे बैडमिंटन भी है देख सकते हो तुम लोग, अभी जो है बैडमिंटन खेलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, पूरी फैमिली एरिया है सारा इधर। यहाँ पे सिर्फ फैमिली खेल सकती है और कोई नहीं आ सकता। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा प्ले एरिया है फन लगोन। तो यहाँ पे जो है ना सारे ये प्ले एरिया है देख सकते हो। ये देख सकते हो अभी ये तकरीबन 10 बजे तक खुली होती है, और अभी टाइम हो रहा है खुल्ला। आ जा भाई, 9:21, 10 बजे सारा एरिया बंद हो जाएगा पूरा। भाई ये देख सकते हो ये भी ATV बाइक्स भी हैं यहाँ पे, पूरा जो है ना आप घूम सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ एरिया। तो यहाँ पे भी जो है ना एक देखते हैं, हम चेक करते हैं, एक ये राइड्स भी हैं। बड़ा ही भाई मज़ा आ रहा है, अगर आप पूरा स्टे करोगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सुकून वाली जगह है। मज़ा इतना आता है यहाँ पे आप लेके जो है ना सारी एक्टिविटीज़ जो है ना पूरी। तो भाई ये हमारी ATV बाइक आ गई है, अभी जो है ना इस पर ये राइड करते हैं, तो मज़ा आने वाला है अभी देखो। भाई ये इतनी तेज और अब हम जा रहे हैं डेजर्ट सफारी पे। देख सकते हो अभी जो है डेजर्ट सफारी करने लगे हैं, रात का टाइम हो रहा है, मज़ा आने वाला है। लाइसेंस जो है वो आ गया है। A few moments later. रेस्टोरेंट है यहाँ पे, सिर्फ जो है ना फास्ट फूड वगैरह मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, यहाँ पे 10:30 बजे जो है ना बंद हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे मेंबर्स के प्राइस अलग हैं, वैसे अलग हैं।
ये है यहाँ पे पिज़्ज़ा, एक ऑर्डर जो है ना हमने वहाँ दिया। और ये है ढाबा रेस्टोरेंट, जो कि ये भी 10:30 बजे तक खुला होता है, लेकिन ये कि इसकी टाइमिंग जो है ना 10:30 बजे के बाद ऑर्डर वगैरह नहीं लेते। तो ये देसी स्टाइल है सारा, यहाँ पे कढ़ाई वढ़ाई मिलेगी। और जो वो अरोमा वाला था ना, वहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बारबेक्यू और सॉरी फास्ट फूड मिलेगा। तो भाई ये है दूसरा होटल जहाँ पे आपको देसी स्टाइल मिलेगा सब कुछ। देख सकते हैं आप लोग ये मेन्यू पूरा। ये क्या है? दाल मखनी मलाई हांडी है ये। ये टर्किश कबाब। ये क्या है? दाल मखनी। तो भाई खाना वाना खा लिया, देख सकते हो ये रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 11:28। तो अभी हम जा रहे हैं बॉलिंग की तरफ, जो कि तकरीबन खुलती है 11 बजे, ओपन हो जाती है 11 बजे से 2 बजे। ओहो, स्टार्ट हो रहा है भाई। जूते उतार दिए, देख सकते हो बोटिंग कर रहे हैं। अभी रात का तकरीबन टाइम हो रहा है 12:18। तो ये वाली जो एक्टिविटी है वो तकरीबन 2 बजे, मतलब 10 बजे से 2 बजे तक, सुबह 5 बजे तक खुली होती है। कितने बजे से कितने बजे तक है रात? 11 से सुबह 5 बजे। 11 से सुबह 5 बजे तक है। ये देख सकते हो भाई बोट वोट है, बोटिंग कर रहे हैं अभी रात रात का 12 बज रहा है। Day two. तो भाई ये है सुबह का कुछ मंजर, देख सकते हो आज है दूसरा दिन। क्या भाई सुकून वाली जगह है, माशाल्लाह। अरे हाय हाय हाय, तो ये है सुबह का मौसम, देख सकते हो रूम के बाहर का अपना एरिया है। और अभी जो है चलते हैं नाश्ता करना। हमें नाश्ते का टाइम है 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम है। अभी आप हो रहे हैं 8:30, तो टाइम है अभी नाश्ते का। अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो वही देख सकते हो अभी टाइम हो गया 8:30, और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करेंगे, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री। नाश्ते के बाद देखते हैं क्या करना है। तो ये पूल सामने वाला अभी खुला नहीं है ये। तो भाई ये है बिस्तरों बिस्तरों पे नाश्ता मिलेगा हमें यहाँ पे नाश्ता करेंगे, देख सकते हो बड़ा ज़बरदस्त। ये रॉयल सूट है भाई पूरे पूरे, लेकिन यहाँ मज़ा नहीं है, व्यू अच्छा नहीं है यहाँ का, ये देख सकते हो भाई। हाँ, वालेकुम सलाम भाई। ये है बूफे, ये देख सकते हो क्या क्या है यहाँ पे, प्लेट्स वगैरह। इसमें क्या क्या है देखेंगे क्या है भाई। ये है बचाया, देखा नहीं भाई तस्वीरों में इतना डाइव। यहाँ से हम यहाँ से चलते हैं। ये है ऑमलेट, और ये क्या है कीमा, ये है चने का सालन, ये है आलू का सालन, और ये है पूरी। भैया आ गया है, नाश्ते में लिया मैंने ये टोस्ट और पूरी पराठा, और ये है छोले का सालन आलू का, और ये क्या है कीमा।
और क्या, ऑमलेट कहाँ चला गया हमारा, ये रहा ऑमलेट। तो भाई ये है, यहाँ बिस्तरों है, यहाँ से आप नाश्ता करके देखेंगे तो ये दिखेगा आपको व्यू। ये स्लाइड है, ये पूरी जा रही है ऊपर तक, स्लाइड वहाँ से आके वो पूल में गिरती है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अभी ऑफ है, ये 2 बजे खुलेगी। भाई देख सकते हो ये है आर्टिफिशियल सी, जो के लहरों वाला है। यहाँ पे देख सकते हो फैमिली और वो सब मिक्स चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये बात मज़े वाली नहीं है। लेकिन पूल बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई अभी हम दोबारा आ गए हैं, गो कार्ट करते हैं दोबारा, क्योंकि रात में हमने की थी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अभी दोबारा जो है ना, देखते हैं अभी दिन में कैसी लगती है गो कार्ट। गर्मी है यहाँ पे काफ़ी बहुत ना, ये देख सकते हो अभी लोग भी काफ़ी लोग आ गए हैं ज़्यादा। तो भाई अभी जो है गो कार्ट बंद है, वो तकरीबन 2 बजे खुलेगी, और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे थे आई थिंक। तो भाई अभी जो है जा रहे हैं, चेकआउट का टाइम हो गया है, और अब जो है कोई और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। गाइस हम लोग जा रहे हैं अब, और कल हम लोग आए थे, एक दिन का हमारा स्टे था और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा किया हमने, और जगह जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छी है। यहाँ पे आ सकता है बंदा, अगर मेंबरशिप है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे, वरना फिर गेस्ट के जो है ना मज़ा नहीं है इतना। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स ही अलावा और काफ़ी लोगों ने देखी भी नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर।